नमस्कार, मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। राजद सुप्रीमो व पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में सुधार होते ही एक बार फिर से उन पर सीबीआई जांच की तलवार लटक गई है। सीबीआई लालू यादव के रेलवे से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में एक बार फिर से जाँच शुरू करने की तैयारी में है। लालू प्रसाद पर IRCTC व जमीन के बदले नौकरी मामले की सीबीआई जांच चल रही थी। सीबीआई ने वर्ष 2018 में लालू प्रसाद व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच शुरू की थी। वर्ष 2021 में इस मामले को बंद कर दिया गया था। सीबीआई सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने IRCTC घोटाले की फाइलें वापस खोली हैं। इसमें लालू यादव पर रेल मंत्री रहने के दौरान कई वित्तीय अनियमितता के मामले हैं। इस मामले में कुछ संदेहास्पद लोगों के यहाँ छापे भी पड़ चुके हैं। कुछ लोगों से लंबी पूछताछ हो चुकी है तो कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस घोटाले के साथ ही लालू प्रसाद और उनके कुछ स्वजन के नाम जमीन का बदले नौकरी मामले में भी शामिल है। CBI ही इस मामले की भी जाँच कर रही है। CBI द्वारा मामले की जाँच वापस शुरू करने की जानकारी सामने आने के साथ न सिर्फ लालू प्रसाद बल्कि उनके कई सगे संबंधियों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इस केस में लालू यादव, तेजस्वी यादव व उनकी पुत्रियों के नाम भी है। CBI की कार्रवाई के बाद बिहार में एक बार फिर राजनीति घमासान छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं CBI द्वारा फिर से जांच किए खोले जाने के मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद और मेरा जीवन खुली किताब है, कर ले फिर से जांच। सोमवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पुनः दोहराते हुए कहा कि CBI चाहे तो मेरे घर में ही दफ्तर खोल लें। तेजस्वी ने कहा कि CBI इस मामले की जांच पहले भी कर चुकी है पर उन्हें कुछ मिला नहीं। CBI कर ले फिर से जांच, इस मामले में वह क्या कहते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सिंगापुर में लालू की किडनी का ऑपरेशन हुआ है। बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपना किडनी डोनेट की है। ऐसे में लालू यादव के खिलाफ CBI जांच शुरू होने से उनके परिवार की परेशानी बढ़नी तय है। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए